दोस्तों आज का युग पैसों से भरा पड़ा है। ऐसे में ब्लैक हैट हैकर उस पैसों को लूटने के लिए ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका जीता जागता उदाहरण इस वीडियो में आपको पता चलेगा, क्योंकि आज तक आपने जितने भी हैकर के बारे में सुना होगा वो सभी के सभी हैकर मैच्योर और इंटेलिजेंट थे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे हैकर के बारे में बताऊंगा जो कि हाई स्कूल तक भी स्टडी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने एक कंप्यूटर वायरस बनाया और उस वायरस की मदद से करीब 4 लाख कंप्यूटर को तबाह कर दिया। सुनने में तो आपको उतना बड़ा अटैक नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा वो 1-2 करोड़ नहीं बल्कि बिलियन ऑफ मनी को गायब कर दिया। इसीलिए वीडियोस को स्टार्ट होने से पहले ही अपने कानों में ईयरफोन लगाकर एक शांत कोना पकड़ लो ताकि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। जेन्सन जेम्स अचिंता का जन्म 26 अप्रैल 1985 को हुआ था। अचिंता ने 2001 तक कैलिफोर्निया के डाउनी हाई स्कूल में पढ़ाई किया, लेकिन उसे पढ़ाई में मजा नहीं आया और वो हाई स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद अचिंता ने कुछ दिन तक इंटरनेट कैफे में काम करना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर भी वो ज्यादा दिन तक नहीं रुका। अचिंता को प्रोग्रामिंग में महारत हासिल था, लेकिन अचिंता न ही पढ़ाई पूरा कर पाया और न ही जॉब, और ऊपर से घर वालों का प्रेशर था। फिर अचिंता ने जून 2004 में RX बोर्ड की खोज किया और वो बॉटनेट के साथ काम करना शुरू किया। फिर अचिंता RX बोर्ड के बारे में वो सभी जानकारी हासिल किया जो उसे चाहिए था। व्हाट इज RX बोर्ड? आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिसे RX बोर्ड के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा। RX बोर्ड एक ऐसा कंप्यूटर वायरस था जो कि 1000 कंप्यूटर को कुछ ही सेकंड के अंदर नष्ट नाबूद कर सकता था। ट्विस्ट स्टोरी में ट्विस्ट यहां से आएगा। अचिंता RX बोर्ड को सॉफ्टवेयर बेस्ड रोबोट में कन्वर्ट किया और इंटरनेट पर पब्लिश कर दिया। फिर वही हुआ जिसके बारे में किसी को भी घंटा कुछ पता नहीं था। RX बोर्ड को इंटरनेट पर पब्लिश करते ही हजारों लोग RX बोर्ड को डाउनलोड करने लगे, बट इस वायरस को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था जो कि डाउनलोड करने वाले यूजर्स को भनक भी नहीं होता कि वो फाइल डाउनलोड होने के बाद किस फोल्डर में आएगा। किसी भी यूजर को ये पता नहीं चलता। फिर यूजर कुछ देर तक ढूंढता उस फाइल को और छोड़ देता, और कुछ ही देर बाद RX बोर्ड सिस्टम के सभी इम्पोर्टेंट डेटा जैसे कि बैंक डिटेल्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण डेटा RX बोर्ड अचिंता को भेजता, और अचिंता इतना सातिर था कि उस डिटेल से करोड़ों रुपए गायब कर दिए और किसी को भी भनक नहीं चला। साल 2005 तक करीब 4 लाख कंप्यूटर इफेक्ट हो चुके थे इस वायरस से। FBI ये क्राइम इतने तेजी से वायरल हो रहा था कि FBI भी समझ नहीं पाया। फिर FBI ने अचिंता को पकड़ने के लिए स्टिंग नामक एक ऑपरेशन बनाया और अचिंता को गिरफ्तार कर लिया और उसे 5 साल की जेल की सजा दी गई। बाकी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो धपाधप लाइक मारो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करो, सबका जवाब मिलेगा। और पिछले वीडियो को भी एक नजर देख लेना, ऐसा मटेरियल आपको खोजने पर भी नहीं मिलेगा।